हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम खेलने वाले हैं वॉच डॉग 2। एक वीडियोस में मैंने वॉच डॉग 3 या कहा जाए वॉच डॉग लीजियन का भी वीडियो डाला था। वो लंदन बेस्ड थी और ये सैन फ्रांसिस्को बेस्ड गेम है। सैन फ्रांसिस्को इससे पहले GTA सैन एंड्रियास में भी आया था टाउन। अब उस टाउन के कंपेयर में ये कितना मॉडर्न हो चुका है टाउन, वो सब भी देखेंगे और दूसरी वॉच डॉग के मुकाबले ये गेम कैसी है ये भी चेक करेंगे। और इसके अलावा इस गेम में क्या क्या यूनिक है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे इसमें आप किसी को भी दुखी कर सकते हो, ये बड़े खुश थे, अब ये बहुत दुखी हैं। तो आप ऐसे ही इस गेम में किसी को भी दुखी कर सकते हो। अब जैसे ये जा रहा है हम इसको वापस कहेंगे तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें वापस जाना है, तुम्हें वापस जाएंगे। अभी ये कंफ्यूज है कि यहाँ हुआ क्या। और एक और यूनिक चीज़ है कि आप इसके अंदर किसी को भी 5-स्टार केस डाल सकते हैं, जैसे कि वो बहुत गुस्से में है, किसी को गुस्सा पहले दिलाते हैं उदास, ये खुश है आज। चलो, ये अंडरवर्ल्ड की ताकत को जानता नहीं है। अभी इसको हम खुश से दुखी कर देंगे। पुलिस जा रही है और अभी यहाँ पे भी चैन गैंग की मेंबर्स आएंगे और इसे दुखी करेंगे। वो आ गए, ये चैन गैंग वालों को जानता नहीं। क्योंकि पुलिस आगे इसलिए भाग रहे हैं। अब इन सबको देखते हैं, ये उदास है, ये भी उदास है, ये भी उदास है, और ये जान बचा के भाग रहे हैं। इसके अलावा इस गेम में हम कहीं से कोई भी कुछ सिलेक्टेड कार्स हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि फोर के हम ये वाली गाड़ी मंगा लेते हैं। और वो गाड़ी ये रही। मिलिट्री व्हीकल है तो एक्सप्लोरेशन के हिसाब से तो सही है। अगर कोई आपके आगे आ रहा है तो उसको हटा भी सकते हैं। चलिए गोल्डन गेट ब्रिज चलते हैं। मैप में दिख रहे कहाँ पे हैं अभी हम। अभी हम यहाँ पे हैं और हम यहाँ से इधर जाएंगे। अगर आपने सैन एंड्रियास के लिए तो आपको पता होगा कि वो आई थिंक 1980 समथिंग के ऊपर बेस्ड गेम है और ये 2015 के आसपास की गेम है, 15 या 18 ऐसी समथिंग है। और इसी वजह से ये गेम काफ़ी मॉडर्न है। एक्सप्लोर करते हैं टाउन। हालांकि इससे ज़्यादा रियलिटी आपको क्रू 2 एक गेम है उसके अंदर मिलेगा, उसमें वो ऑलमोस्ट पूरा अमेरिका ही है। क्योंकि इसमें एक
पोर्शन ऑफ अमेरिका। डिटेलिंग काफी अच्छी है और बहुत कुछ करने को है इसमें। यहाँ पर ऐसे रोम अराउंड कर सकते हैं और मिशन करना है मिशन कर लीजिए, कुछ कलेक्शन करना है तो कलेक्शन कर सकते हैं रिसर्च पॉइंट्स वगैरह के लिए। प्ले रूम के हिसाब से एक अच्छी गेम है। भी हम गोल्डन गेट ब्रिज पे चेक करेंगे कि कैसा है। हमें इधर से जाना है, जो ये डॉलर का निशान है मतलब यहाँ पे आप किसी को कैश ले सकते हैं। वॉचडॉग सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपको मनी रिलेटेड इशू कभी नहीं होते, जिसमें आप जितना चाहे उतना मनी इकट्ठा कर सकते हैं। ये छोटा सा टाउन काइंड ऑफ है। उसको वहीं जाना था तो इसलिए मैंने उसको वहाँ भेज दिया। अगर मिडल बटन माउस का टैप करते हैं तो एक क्विक हैक होता है, और अदरवाइज आप होल्ड करके रखते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस चलते हैं। एटीएस एंड्रॉयस में गोल्डन ब्रिज बहुत छोटा था बट इसके अंदर काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्रिज को दिखा। मैं देखिए जरूरी नहीं कि मैं इसको पार करूँ, जैसे ही है मैं इसको यहीं पे होल्ड करके रोक सकता हूँ। किसी की स्पीड बढ़ानी है स्पीड बढ़ा सकते, वो एक दूसरा बीच काइंड ऑफ टाउन आएगा मैरीन जगह का नाम है। ये टाउन को देखते हैं कैसा है। वाटर टेक्स्ट कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। और वॉच डॉग 2 और GTA 5 आपकी फेवरेट गेम कौन सी है वो भी ज़रूर बताइए। मेरी यहीं से ही रास्ता है, नहीं है मैं सीधा जाऊँ। फंसने का तरीका तो GTA 5 वाला ही था। गाड़ी मेरी कार ली थी।
को लड़ना चाहता है, फिर उसका ट्रक चला गया। इसमें आप फिक्शन वॉर्स भी कर सकते हैं। ब्रिज के बाद हम किसी टर्फ में जाके वॉर काइंड करके देखेंगे कैसे पुलिस और दूसरे फिक्शंस के बीच में लड़ाई हो जाती है। ये हम आ गए गोल्डन गेट ब्रिज पे। मे बी अगले वॉचडॉग में रे ट्रेसिंग और बाकी सब फीचर्स के बाद काफी यूनिक लगने वाली है गेम। आप किस तरह के नए फीचर्स गेम में देखना चाहते हैं को कमेंट करके जरूर बताएं। रॉक के टेक्सचर, ब्रिज केबल्स सब कैसा लग रहा है? अगर आपको याद होगा तो GTA में यहाँ पे एक टोल होता है, लेकिन इस गेम में आई थिंक वो टोल काइंड कुछ भी नहीं है। शायद इस ब्रिज के पेमेंट रिकवर हो गई होगी, इसलिए इसमें से टोल हटा दिए गए। चलिए देखते हैं। देखिए कैसा है इसमें टेबल्स वगैरह। थोड़ा सेकेंड्स में कुछ कूल है। या तो फिर एक और निविडिया का, निविडिया ने एक और फीचर ऑन कर दिया कि वही प्रॉब्लम है। प्लस निविडिया पे टोल हुआ करता, टोल हटा दिया गया। एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बिल्डिंग आई थिंक छोटी कर दी गई है। चलिए टेक्सचर चेक करते पहले कि क्या वाकई में वीडियो में फर्क पड़ता है टेक्सचर वगैरह चेंज। ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस तो मुझे लग नहीं रहा।
आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी बात पे थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड।